सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य पर आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र शांस्ता और जिला मुख्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। झंडा लगाने के साथ ही इन अधिकारियों और कर्मचारियों से वीर सैनिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण के लिए अंशदान भी एकत्रित किया गया। इस अवसर पर एसपी हमीरपुर ने 1971 के युद्ध की जीत के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हमीरपुर पहुंची साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अधिक जानकारी देते हुए उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि 1971 के भारत पाक युद्ध विजय दिवस का स्वर्णिम साल चल रहा है। इस उपलब्धि ने एक साइकिल रैली पठानकोट से शुरू हुई है जो मंगलवार को हमीरपुर पहुंची। एसपी हमीरपुर की तरफ से इस रैली को हमीरपुर से फ्लैग ऑफ किया गया। उन्होंने बताया कि यह दिवस के उपलक्ष्य पे अधिकारियों तथा प्रतिष्ठित लोगों को झंडा लगाकर उनसे अंशदान भी एकत्रित किया गया। उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस थल सेना, वायुसेना और नौसेना के उन वीर सैनिकों को समर्पित है जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए या दिव्यांग हुए। उन्होंने बताया कि वीर सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण के लिए हर वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को झंडा भेंट करके उनसे धनराशि भी एकत्रित की जाती है और ये धनराशि शहीद सैनिकों के परिजनों और विकलांग सैनिकों की सहायता में खर्च की जाती है। आज हमने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वॉर का जो स्वर्णिम विजय वर्ष चल रहा है उसके उपलक्ष्य पर एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन जो पठानकोट से शुरू होके जलंधर, होशियारपुर, लुधियाना, देन आज हमीरपुर ठहरा था, उसका एसपी हमारे जो हमीरपुर के एसपी हैं उनसे फ्लैग ऑफ हमारा करवाया। और साथ में ही आज झंडा दिवस है, इस उपलक्ष्य पर सबको जो झंडा लगा के लोगों से जो हमारे मार्टियर्स हैं, जो हमारे नीडी हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जनरेट भी किया। और इस उपलक्ष्य में आज पूरे दिन हमारा ये गतिविधियां जारी रहेंगी।